There are days when history is made. Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history, but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater जैसे ही भारत ने बुधवार को को चंद्रयान-3 के के लैंडर मॉड्यूल साथ चंद्रमा की सतह छुआ, पूरा देश खुशी से झूम उठा कांग्रेस ने चंद्रयान थ्री की कामयाबी को हर भारतीय की सामूहिक सफलता बताया इसरो They reflect collective team spirit, they, collect, they reflect partnerships, they reflect enterprise, uh, and in, in my view, there is, they also reflect phenomenal teamwork. It's a matter of great pride for all of Indians. The entire world today uh, is looking up to ISRO, acknowledges the achievement of ISRO, and for us Indians, it's a matter of special pride. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रयान थ्री की सफलता को देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया चंद्रयान तीन की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को देश की जनता को हार्दिक बधाई देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंद्रयान थ्री की सफल लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को, को बधाई दी चंद्रयान थ्री की सफल लैंडिंग जो चांद के ऊपर हुई है उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसरो के सभी साइंटिस्ट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश के लिए यह बहुत गर्व का बहुत खुशी का मौका है आ, कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं भारत चांद पे पहुंच गया है तो आ, मैं आ, आ, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसरो को बधाई देते हुए ये भी कहा कि इस कामयाबी के लिए जवाहरलाल नेहरू के बाद से हर सरकार इसरो को समर्थन देने के लिए बधाई की पात्र है well, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी और कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान थ्री की लैंडिंग से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में नए रास्ते खुलेंगे The success of the lunar mission places India in a select group of nations to have successfully achieved a landing on the lunar surface. It is all the more significant because India is the only nation to have achieved a lunar landing on the south pole of the moon. This will help new avenues in scientific research and discovery. चार साल में दूसरी कोशिश में भारत ने पूरी दुनिया को अपना दम दिखा दिया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत ने बता दिया है कि हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं